आप देख रहे हैं दखल न्यूज। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू, देश के 12 करोड़ छोटे किसानों को मिलेगा लाभ। नरेंद्र मोदी को है जीत का पूरा भरोसा, कहा अब मन की बात मई में। चित्रकूट से अगवा बच्चों के शव मिले, समय रहते पुलिस नहीं कर पाई कार्यवाही। कैलाश विजयवर्गीय के बीफ बयान तो कवासी लखमा के आरएसएस के बयान पर हंगामा। और टोल प्लाजा पर बदमाशों का हंगामा, जमकर हुई फायरिंग, पुलिस ने किया मामला दर्ज। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोरखपुर में 75,000 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की। इस मौके पर प्रधानमंत्री 1 करोड़ से ज्यादा किसानों के बैंक खातों में 2,000 रुपए की पहली किश्त ट्रांसफर की गई। इस मौके पर पीएम ने कहा कि ये तो अभी शुरुआत है। इस योजना के तहत हर वर्ष लगभग 75,000 करोड़ रुपए किसान के खातों में सीधे पहुंचने वाले हैं। देश के वो 12 करोड़ छोटे किसान जिनके पास 5 एकड़ या उससे कम भूमि है, उन्हें इसका लाभ मिलेगा। गोरखपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इसके अलावा 10 लाख सोलर पंपों को बिजली ग्रिड से जोड़ने में किसानों की मदद की जाएगी, जिससे वो सिंचाई को मुफ्त में कर पाएंगे, बची हुई बिजली बेच भी पाएंगे। यह अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाने के लिए हमारा व्यापक अभियान का हिस्सा है। किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान अभियान को इसी हफ्ते सरकार ने मंजूरी दी है। इसके तहत किसानों को 17 लाख से अधिक सोलर पंप लगाने में मदद की जाएगी, ताकि उनको सिंचाई पर होने वाली बिजली या डीजल के खर्च से मुक्ति मिल सके। आजादी के बाद किसानों से जुड़ी ये सबसे बड़ी योजना आज उत्तर प्रदेश की पवित्र धरती से मेरे देश के करोड़ों करोड़ों किसान भाइयों बहनों के आशीर्वाद से आरंभ हो रही है। मैं गोरखपुर के लोगों को तो दोहरी बधाई देता हूं, क्योंकि वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की शुरुआत के साक्षात गवाह बन रहे हैं। भाइयों और बहनों, आज ही गोरखपुर और पूर्वांचल के विकास से जुड़ी लगभग 10,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया गया है। उन्होंने कहा ये नया भारत है, इसमें केंद्र सरकार जितना पैसा किसानों के लिए भेजती है वो पूरा पैसा उसके खाते में पहुंचता है। अब वो दिन गए जब सरकार 100 पैसा भेजती थी तो बीच में 85 पैसा दलाल और बिचौलिए खा जाते थे। मोदी ने कहा सिंचाई परियोजनाओं को पूरा ना करके कर्ज माफी करना आसान रास्ता था, लेकिन कर्ज माफी से सिर्फ ऊपरी स्तर के कुछ किसानों का ही फायदा हो पाता, वो भी ऐसे किसान जिन्होंने बैंक से लोन लिया है। उन करोड़ों किसानों के बारे में कौन सोचता जो बैंक के बजाय किसी दूसरे से कर्ज लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 53वीं बार मन की बात की। इस बार की मन की बात को पीएम मोदी ने काफी खास बताया। पीएम ने पुलवामा में शहीद हुए सैनिकों से अपने मन की बात शुरू की और अंत उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव में जीत का भरोसा जताया। मोदी ने कहा कि मई में फिर से मन की बात करूंगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात से पहले शो से जुड़ा एक ट्वीट किया। इसमें उन्होंने कहा कि आज मन की बात स्पेशल होगी, बाद में मत कहिएगा कि मैंने आपको पहले नहीं बताया। मोदी जी ने कहा, आज मन भरा हुआ है। 10 दिन पूर्व भारत माता ने अपने वीर सपूतों को खो दिया। इन पराक्रमी वीरों ने हमारी रक्षा में खुद को खो दिया। देशवासी चैन की नींद सो सके, इसके लिए जवानों ने अपने दिन रात एक कर दिए। शहीदों और उनके परिवारों के प्रति चारों तरफ संवेदना उमड़ पड़ी है। जो आपके मन में है वही भाव हर देशवासी के अंतर मन में ही नहीं, विश्व के लोगों के मन में भी है। भारत माता की रक्षा में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले देश के सभी वीर सपूतों को मैं नमन करता हूं। देश के सामने आई इन चुनौतियों का सामना हमें जातिवाद, सांप्रदाय, क्षेत्रवाद और अन्य मतभेदों को भुलाकर करना होगा, ताकि आतंक के खिलाफ हमारे कदम पहले से कहीं अधिक दृढ़, सशक्त और निर्णायक हों। मन की बात शुरू करते हुए आज मन भरा हुआ है। 10 दिन पूर्व भारत माता ने अपने वीर सपूतों को खो दिया। इन पराक्रमी वीरों ने हम 125 करोड़ भारतीयों की रक्षा में खुद को खपा दिया। देशवासी चैन की नींद सो सके, इसलिए इन हमारे वीर सपूतों ने रात दिन एक करके रखा था। पुलवामा के आतंकी हमले में वीर जवानों की शहादत के बाद देश भर में लोगों को और लोगों के मन में आघात और आक्रोश है। मोदी ने कहा, मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से आप सब से जुड़ना मेरे लिए एक अनोखा अनुभव रहा है। रेडियो के माध्यम से मैं एक तरह से करोड़ों परिवारों से हर महीने रूबरू होता हूं। कई बार तो आप सब से बात करते, आपकी चिट्ठियां पढ़ते या आपके फोन पर भेजे गए विचार सुनते मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आपने मुझे अपने परिवार का हिस्सा ही मान लिया है। यह मेरे लिए बहुत ही सुखद अनुभूति रही है। चित्रकूट में स्कूल बस से किडनैप हुए दो जुड़वां भाइयों के शव यूपी के बांदा जिले में मिले। अपहरणकर्ताओं ने फिरौती की रकम लेने के बाद भी उनकी निर्मम हत्या कर दी, जिसमें 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस टीम परिजनों से पूछताछ कर जानकारी जुटाने में लगी हुई है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और सरकार चाहकर भी ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने में नाकाम है। 12 फरवरी को चित्रकूट में स्कूल बस से घर जा रहे तेल कारोबारी के जुड़वां बेटों का अपहरण करने वाले बदमाशों ने फिरौती की रकम लेने के बाद भी उनकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी। दोनों बच्चों के शव उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में मिले हैं। बताया जा रहा है कि मासूमों ने बदमाशों को पहचान लिया था, जिससे अपनी पहचान छुपाने के लिए उन्होंने बच्चों के हाथ बांधकर उन्हें नदी में फेंक दिया। दोनों के शव बांदा के यमुना नदी के घाट पर मिले। घटना में सतना एसपी ने इसकी पुष्टि कर 6 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 5 अपहरणकर्ता चित्रकूट के ग्रामोदय विश्वविद्यालय और एक स्कूल के कर्मचारी का बेटा बताया जा रहा है। बच्चों को 19-20 की दरमियानी रात में फिरौती होने के बाद जब इनको रिलीज करना था तो 20 के बाद जो है 21 तारीख को उनको मारा गया। अभी तक घुमा रहे थे और पुनः फिरौती की मांग कर रहे हैं। अपहरण के शुरुआती 4 दिनों में ये जगह जगह बदल बदल करके रखे हैं और जो इनका एक तलघर टाइप का है जहां लकी जो रहता था, बदल बदल के इनके स्थान को रखा गया। घटना की खबर मिलने के बाद चित्रकूट में तनाव के हालात बने हुए हैं, जिससे आक्रोशित लोग सड़कों पर उतर आए हैं। इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई है। लोगों ने जाम लगाकर कुंड इलाके में पुलिस और सदगुरु सेवा ट्रस्ट के खिलाफ नारेबाजी की। बताया जा रहा है कि कल रात को ही सतना जिले से अतिरिक्त पुलिस बल सुरक्षा व्यवस्था के लिए चित्रकूट बुलाया गया है। स्कूल बस में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हो गई थी। दोनों बच्चे चित्रकूट के सदगुरु ट्रस्ट के एसपीएस स्कूल में पढ़ते हैं। पुलिस ने बताया कि अपहृत बच्चों का नाम शिवम और देवांग है। उनकी उम्र 5 साल है। बच्चों के पिता का नाम ब्रजेश रावत है, जो तेल का व्यवसाय करता है। इस घटना में पुलिस का लचर रवैया सामने आया है। घटना के 12 दिन तक पुलिस हवा में तीर चलाती रही और अपराधियों को नहीं पकड़ सकी। दोनों बच्चों के शव मिलने के बाद पुलिस ने अपराधियों को पकड़ने का दावा किया है। इस दुखद घटना के बाद भी मुख्यमंत्री कमलनाथ इस पर राजनीतिक बयान देते नजर आ रहे हैं। पूरा न्याय किया जाएगा, पूरी जांच करी जाएगी, पर इसके पीछे कौन से
कैसी राजनीति जुड़ी है जी। क्योंकि झंडों के साथ जी। पुलिस अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है जी जी। पुलिस पूरी इसकी जानकारी पूरा खुलासा करेगी कि क्या घटना कैसी हुई जी जी। पर इसमें पूरी जांच होगी, कड़ी जांच होगी और कड़ी सजा होगी। सब सबूत सामने आ गए, ऐसा कोई सबूत नहीं है जो सामने नहीं आया। और ये कौन सी गाड़ी में घूम रहे थे, किस इन गाड़ी में किसका झंडा था, ये सब बातें सामने आ रही है। पुलिस इसको अभी खुलासा कर रही है। पुलिस ने कहा कि बच्चों का अपहरण क्यों किया गया इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिली है। घटना को जिस तरह से अंजाम दिया गया है उससे यह तय किया कि बदमाश दोनों बच्चों को अच्छी तरह से पहचानते थे। फिरौती के लिए अपहरण सहित सभी बिंदुओं पर पुलिस की टीम ने जांच शुरू कर दी है। इस घटना से साफ हो गया है कि पुलिस प्रशासन ने समय पर उचित कार्यवाही नहीं की। इस मामले पर विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है। 17 जिले के चित्रकूट जाते हुए स्कूली बच्चों का जो अपहरण हुआ था उन बच्चों की हत्या कर दी गई और हत्या भी निर्मम तरीके से की गई, फिरौती के लिए की गई। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण और लापरवाही शासन और प्रशासन की है। पिछले 12 दिनों से मैं लगातार विधानसभा में कह रहा हूं और सम्मेलनों में, आम सभा में, सभी जगह कह रहा हूं कि सरकार इस पर ध्यान दे, लेकिन सरकार का कोई ध्यान इस पर नहीं गया और इस कारण से घटना घटित हुई है। इधर चित्रकूट से अगवा किए गए दोनों बच्चों की हत्या से पहले मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पुलिस हेडक्वार्टर में अफसरों की अहम बैठक की, जिसमें मध्य प्रदेश में बढ़ते अपराधों और महिला अपराधों को लेकर नाराजगी जताई और इसकी रोकथाम के लिए सख्ती बरतने को कहा। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश पर लगा अपराध नंबर 1 का दाग धोइए, वरना हटने के लिए तैयार हो जाइए। वहीं अफसरों को अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करने के निर्देश भी जारी किए गए। इस बैठक में डीजीपी समेत प्रदेश भर के एडीजी, आईजी, डीआईजी, एसपी और बटालियन कमांडेंट स्तर के अफसर शामिल हुए। कमलनाथ ने पुलिस अफसरों से साफ कहा कि प्रदेश में लगातार बढ़ रहे अपराधों की रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं। हमने एक बैठक करी थी जो जिले के एसपी, संभाग के आईजी, डीआईजी सब के साथ उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए और क्या क्या हमारी प्राथमिकताएं हैं, जैसे कि महिला सुरक्षा, सबसे कमज़ोर वर्ग और सबसे जो नीडी हैं, सबसे जो गरीब हैं, उनकी क्या प्राथमिकता होंगी, पुलिस के क्या कर्तव्य बनते हैं उनके प्रति, इस पर चर्चा हुई है, क्राइम पर चर्चा हुई है। और मैंने कहा है कि इसमें ज़ीरो टॉलरेंस महिलाओं और बच्चों पर क्राइम, ड्रग्स, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं। हमने टेक्नोलॉजी पर चर्चा करी है कि टेक्नोलॉजी पर कहाँ कमी है, कि टेक्नोलॉजी आज के दिन जितना परिवर्तन हुआ है, आज बिना टेक्नोलॉजी के, बिना उस साधन के हमारी पुलिस फोर्स उतनी इफेक्टिव नहीं रह पाएगी, ये इस पर आज चर्चाएँ हुई हैं। इस मीटिंग में महिला अपराध और गरीब वर्ग के लिए पुलिस विभाग की प्राथमिकता, ड्रग्स और बच्चों पर बढ़ते अपराध पर विशेष ध्यान देने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए। इस मीटिंग में भी पुलिस अधिकारी कमिश्नर प्रणाली का रोना रोते नजर आए। इस बैठक में बहुत सी उम्मीदें थी लेकिन ये सामान्य औपचारिकता बनकर रह गई। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का विवादास्पद बयान सामने आया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि एक बीफ खाने वाला चुनाव जीत जाता है और गौसेवक हार जाता है। विजयवर्गीय के इस बयान पर राजनीति शुरू हो गई है और कांग्रेस ने इस पर पलटवार किया है। भोपाल में बीजेपी बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन में विधायक सुरेंद्र नाथ सिंह की हार पर विजयवर्गीय ने कहा कि बीफ खाने वाले जीत जाएं, यह शर्म की बात है। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का इशारा विधायक आरिफ मसूद की तरफ था। विजयवर्गीय के इस बयान के कई मायने हैं। सबसे पहले सुनिए आप बीजेपी के बड़े नेता कैलाश विजयवर्गीय का बयान। मुझे आश्चर्य होता है कि राष्ट्रवादी सरकार, गोहत्या को रोकने वाली सरकार, बीफ खाने वाला व्यक्ति आपके सामने चुनाव जीत जाए, यह हम सब कार्यकर्ताओं के लिए शर्म की। इस सम्मेलन में बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल थे। कैलाश विजयवर्गीय ने पूर्व विधायक सुरेंद्र नाथ सिंह की तरफ देखते हुए यह टिप्पणी की। विजयवर्गीय की टिप्पणी का वीडियो वायरल होते ही कांग्रेस ने इस पर आपत्ति जाहिर की और विधायक आरिफ मसूद ने बीजेपी नेता के इस बयान पर सवाल उठाते हुए उन्हें इसका जवाब दिया। बहुत अफसोसनाक बयान है उनका और मैं आप लोगों के माध्यम से उनसे जवाब भी चाह रहा हूं, जब उन्होंने मुझ पर इल्जाम लगाया है तो वो मुझे याद दिलाएं, क्योंकि मुझे अपनी ज़िंदगी में ऐसा याद नहीं है कि मैंने कभी कोई ऐसा काम करा, तो मैंने तो कभी खाया नहीं। लेकिन अब उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है तो वो ज़रूर बता दें कि किस डिनर,
किस लंच में किस जगह पे वो मेरे साथ थे जहां हमने मुझे खाते हुए देखा, तो वो जरा बता देंगे तो मुझे भी अच्छा होगा कि ऐसा मैंने गलत काम कहां करा। और मुझे अफसोस है कि एक राष्ट्रीय स्तर का नेता इस तरह का बयान दे, ये एक शर्मनाक और अफसोसनाक बात है। कार्यकर्ता सम्मेलन के संपन्न होने के बाद पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। यह कार्यकर्ता सम्मेलन विजय वर्गीय की टिप्पणी से चर्चा में आ गया और माना जा रहा है ये मामला बहुत दूर तक जाएगा। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुरैना के छौंदा टोल प्लाजा पर एक दर्जन हथियारबंद बदमाशों ने जमकर हमला किया और टोल बिल्डिंग पर चढ़कर करीब आधे घंटे तक ताबड़तोड़ फायरिंग की। पुलिस ने फायरिंग करने वाले बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इस घटना से ठीक पहले राहुल कंसाना नाम के एक व्यक्ति टोल मैनेजर को जान से मारने की धमकी दी और कहा कि उसके नाम से जितनी भी गाड़ियां संचालित हैं उन्हें फ्री में निकालना होगा, अगर टोल मैनेजर ऐसा नहीं करेंगे तो उन्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। इसी रात करीब 12:45 के आसपास एक दर्जन हथियारबंद बदमाश टोल बिल्डिंग के पास पहुंचे और यहां तैनात गार्ड पर फायरिंग करने लगे। गार्ड्स ने टोल की दूसरी और तीसरी मंजिल पर मोर्चा संभाला जब तक बदमाशों ने हवाई फायरिंग बंद कर आमने सामने की फायरिंग शुरू कर दी। घटना की जानकारी टोल प्रबंधन ने तत्काल पुलिस को दी। पुलिस ने मामले में धमकी देने वाले और फायरिंग करने वाले बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जानकारी के अनुसार हमला करने वाले विधायक के बेटे के समर्थक हैं। जगदलपुर में जोरदार धमाके के साथ भगदड़ मच गई। इस धमाके ने एक मासूम बच्ची की जान ले ली तो वहीं तीन अन्य घायल भी हैं। धमाका इतनी जोर से हुआ कि कुछ समय तक लोगों को समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है, धमाका किस कारण हुआ इसका पता नहीं चल सका है। घायलों को जगदलपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शहर से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर चित्रकूट मार्ग के देव गांव में भयानक धमाका हुआ। विस्फोट शिव मंदिर के पास हुआ जिसकी चपेट में 4 लोग आए हैं। विस्फोट में 10 वर्षीय ज्योति कुमार की मौत हो गई है तो वहीं 3 अन्य घायल हैं। विस्फोट किन कारणों से हुआ इसकी जानकारी नहीं मिल सकी है। घायलों को जगदलपुर के MPM अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों के नाम रामेश्वर, विद्याधर और त्रिलोचन है। तो क्या थी पूरा तो हम इतने देखे बहुत हल्ला हो गया। लगभग जो है 10:30 के आसपास की घटना है। यहाँ के जो रहने वाले थे लोग जो है वो मंदिर और जो एक बगल में जस्ट घर बना हुआ है दोनों के बीच में एक बाड़ी जैसा एक जगह है, स्थान है, और वहाँ पास साफ सफाई किए उसी दौरान जो है वहाँ पास बच्चे लोग भी थे, 4 बच्चे थे, वो खेल रहे थे। अचानक से विस्फोट हुआ और वो 4 बच्चे घायल हो गए जिनको जो है हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, जिसमें से पता चल रहा है कि एक बालक का जो है इंतकाल हो गया है और बाकी का जो है इलाज चल रहा है। हमने जो है जो अपना फोरेंसिक विशेषज्ञ है सूरी बाबू उनको यहाँ पे बुलाया था और वो आए थे और आकर के जांच करके सैंपल कलेक्ट करके लेके गए हैं। वो सैंपल जो है परीक्षण के बाद ही हम कह पाएंगे कि वो हाई एक्सप्लोजिव है या किस प्रकार का बम है या देसी बम है या नक्सली द्वारा उपयोग किया जाता जुगाड़ वाला जो है या किसी प्रकार का जो है विस्फोटक पदार्थ। जांच के परीक्षण के बाद ही रासायनिक परीक्षण के बाद ही पता चल पा उसके बाद ही अपन स्पष्ट कर सके। बंडा के शासकीय स्कूल की छात्राओं ने आरोप लगाया है कि एक शिक्षक उनसे छेड़छाड़ करता है। इसके बाद गांव वाले छात्राओं के साथ थाने पहुंचे और आरोपी शिक्षक के विरुद्ध मामला दर्ज करने की मांग की।
मामला बंडा ब्लॉक के ग्राम हनुता पटकोई के शासकीय माध्यमिक शाला का है, जहां शिक्षक बीपी राजक छात्रा के साथ छेड़छाड़ करता था। जब एक छात्रा ने इस मामले की शिकायत अपने घर पर की तो परिजन गांव वाले लेकर स्कूल पहुंच गए। जैसे ही घटना की जानकारी पुलिस को मिली, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शिक्षक को हिरासत में ले लिया। इसके बाद गांव वाले छात्राओं को साथ थाने पहुंचकर आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज करने की मांग करने लगे। ये हनौता पटकोई की शासकीय माध्यमिक शाला का मामला है। कक्षा छठवीं की एक छात्रा ने वहाँ के प्रधानाचार्य के विरुद्ध रिपोर्ट की है कि उसके प्रधानाचार्य ने परसों उसके साथ छेड़छाड़ की है। आज उसने अपनी माँ को बताया, माँ ने फिर सरपंच को लेकर स्कूल गई और स्कूल में जाकर उन्होंने बातचीत की। बातचीत करने के बाद पुलिस को रिपोर्ट की, पुलिस को सूचना दी, जिस पर से पुलिस ने आरोपी जिस पर आरोप लगाया प्रधानाचार्य उसको भी ले आए और फरियादी पश्चिमी थाने में रिपोर्ट कर रहा है। जांच की जा रही है, जैसी जांच में तथ्य आएंगे वैसी कार्रवाई की जाएगी। छतरपुर के नौगांव में एक मंचले ने स्कूली छात्रा का बुरी नियत से हाथ पकड़ लिया और अश्लील हरकतें करने लगा। बदमाश की इस हरकत से छात्रा ने जमकर जवाब दिया और जूतियों से उसकी पिटाई की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बदमाश को धर दबोचा। छतरपुर के नौगांव में एक मंचले को स्कूली छात्राओं को छेड़छाड़ बहुत महंगी पड़ गई और छात्राओं ने पुलिस के सामने ही मंचले युवक की जूतों से पिटाई करना शुरू कर दी। यह सारा वाक्या वहां से गुजर रहे लोगों ने कैमरे में कैद कर लिया। घटना उस समय की है जब दो छात्राएं कोचिंग पढ़ने जा रही थीं। तभी रास्ते में खड़े मंचले संजय साहू ने एक छात्रा का गलत नियत से हाथ पकड़ लिया और अश्लील हरकतें करने लगा, तो साथ ही में चल रही छात्रा ने डायल 100 को फोन पर बुला लिया। जब तक पुलिस पहुंची, एक छात्रा ने इस बदमाश की जमकर जूतों से पिटाई कर दी। पुलिस इस मंचले को पकड़कर ले गई है। छत्तीसगढ़ में 15 वर्षों बाद सत्ता में लौटी कांग्रेस के मंत्रियों की जुबान से सत्ता का नशा बोल रहा है। आबकारी मंत्री कवासी लखमा एक बार फिर अपने विवादित बयान में फंस गए हैं। लखमा ने अब पत्रकारों को निशाना बनाकर आरएसएस की भाषा बोलने का आरोप लगा दिया। इसके बाद पत्रकार बिरादरी भड़क गई और बीजेपी ने भी इस मसले पर मंत्री का पुतला जलाया। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस ने जगदलपुर के गणपति रिसोर्ट में संकल्प शिविर का आयोजन किया, जिसमें बस्तर के प्रभारी मंत्री के तौर पर कवासी लखमा भी शामिल हुए थे। पत्रकारों ने कवासी लखमा से जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं के नाराज होने पर सवाल पूछा, जिसके जवाब में तिलमिलाए आबकारी मंत्री ने पत्रकारों पर आरोप लगाते हुए कहा कि आप आरएसएस की भाषा बोल रहे हैं, कांग्रेस में कोई कार्यकर्ता नाराज नहीं है। कोई भी एक भी कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी का नाराज नहीं है। कांग्रेस पार्टी पहले भी एक थी, आज भी एक है। ये जो आपका भाषा है, ये आरएसएस का भाषा है। ये आरएसएस हमेशा लड़ाने का काम करती है, बिड़ाने का काम। पत्रकार नहीं हूँ, आप गलत बात बोल रहे हैं। ना उसका भाषा, उसका भाषा से नहीं, मैं उसको मैं पत्रकार को आरोप नहीं लगा रहा हूँ। ये आरएसएस का भाषा है, इसका हमेशा लड़ाने का काम करता है। मैं अभी भी कायम हूँ, कल भी कायम रहूंगा। इससे पहले भी बस्तर में ही कवासी लखमा ने एक स्कूल के सांस्कृतिक कार्यक्रम में स्कूली बच्चों के पहने हुए पीले रंग के पगड़ी को देखकर भड़क कर कहा कि तुम लोगों का भूत अभी उतरा नहीं है, तुम सभी का भूत उतारना पड़ेगा। उस कार्यक्रम में भी लखमा का आशय था कि पीला रंग आरएसएस से जुड़ा हुआ है। लखमा के गलत बयानी के बाद पत्रकारों ने लखमा को जमकर खरी खोटी सुनाई और जब ये खबर वायरल हुई तो बीजेपी ने भी लखमा का पुतला जलाया। निश्चित रूप से सत्ता का नशा है। 15 साल के बाद अगर सत्ता आई है, हम जनाधार मिला उसका हम स्वागत करते हैं। और जो जिस ढंग से आज बयानबाजी हुआ है, उन्होंने सीधा कहा है कि आप पत्रकार भाइयों को सीधा उन्होंने कहा है कि आप आरएसएस की भाषा बोल रहे हैं। आरएसएस का फुल फॉर्म क्या उनको मालूम है? आरएसएस एक मात्र शक्ति है, पूरे देश में, पूरा विदेश में वो काम कर रही है। और किसी पत्रकार भाइयों को इस तरह से बेतुका बयानबाजी करना, ये निंदनीय है। और ऐसे मंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए अपने पद से और उन्हें पूरा पत्रकार जगत से माफी मांगना चाहिए। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।
आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रीवा शहर के कमिश्नर कार्यालय में जन अभियान परिषद में अध्ययनरत छात्रों ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें छात्रों के भविष्य की चिंता व्यक्त की गई और पाठ्यक्रम को लगातार जारी रखने की मांग की गई। मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम के तहत समाज कार्य में स्नातक पाठ्यक्रम प्रारंभ किया था, जिसमें मध्य प्रदेश के 55,000 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं और उन्होंने विश्वविद्यालय में अपनी फीस मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के माध्यम से जमा की है, जिनका उत्कृष्ट विद्यालयों में प्रत्येक रविवार कक्षाओं का संचालन मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद में परामर्शदाताओं के माध्यम से संचालित किया जाता रहा और इसकी मार्कशीट महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट से प्राप्त होती है। छात्रों ने बताया कि अभी हाल ही में हुए मध्य प्रदेश सरकार के बदलाव के बाद लगातार हमारी कक्षाएं संचालित नहीं हो पा रही हैं। बताया जा रहा है कि सरकार मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद और हमारी कक्षाएं प्रतिबंध कर रही है। सभी छात्रों ने महामहिम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन के माध्यम से आग्रह किया है कि हमारे भविष्य को ध्यान में रखते हुए हमारी कक्षाओं को प्रारंभ करवाया जाए ताकि हमारा भविष्य सुरक्षित रहे। लोग यहां एकत्रित हुए हैं मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद द्वारा वर्ष 2015-16 से विगत 4 वर्षों से का पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया था मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व विकास क्षमता अंतर्गत समाज कार्य में स्नातक, उसके हम सभी विद्यार्थी हैं। पिछली सरकार ने पाठ्यक्रम प्रारंभ किया था, संपूर्ण प्रदेश के 313 विकास खंडों में इसका एडमिशन होता था और सभी ब्लॉक के उत्कृष्ट विद्यालयों में इसकी कक्षाएँ संचालित हो रही थी। लेकिन अभी हाल ही में जब से सरकार का परिवर्तन हुआ है तो हम छात्रों के साथ ऐसा अन्याय हो रहा है कि क्लासेस ही नहीं लग पा रही, हमारी कक्षाएं संचालित नहीं हो पा रही, इसके विरोध में आज हम कमिश्नरी के बाहर हैं। हमारी क्लास पिछले साल रेगुलर लगती थी, लेकिन इस साल जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है तब से हमारी क्लासेस रेगुलर नहीं लग रही हैं तथा सुनने में आ रहा है कि हमारी जो आगे की कक्षाएं हैं वो भी रद्द कर दी जाएंगी, इससे हमारा भविष्य भी संकट में है। तो हम ये चाहते हैं सभी छात्र कि हमारी क्लासेस रेगुलर से चालू रहें और आगे चल के हमारे पेपर भी हों, जिससे हमारे भविष्य में कोई भी संकट ना आए। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ऐसे तमाम विद्यार्थियों को समाज कार्य से प्रेरित व समाज कार्य के लिए रुचि रखने वाले विद्यार्थियों को दूरस्थ शिक्षा केंद्र के माध्यम से समस्त केंद्र, उपकेंद्र और विश्वविद्यालय संस्थानों से संबद्ध समस्त मध्य प्रदेश में ऐसे केंद्र खोले गए थे, जिसमें ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट अंतर्गत रीवा संभाग में भी यह समाज कार्य के विद्यार्थियों के लिए बैचलर डिग्री प्रारंभ की गई थी। परंतु वर्तमान सरकार के आते ही ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बिना किसी नोटिफिकेशन के, बिना किसी सूचना के, बिना पाठ्यक्रम पूरा हुए ही, कोर्स पूरा हुए ही विद्यार्थियों को एकाएक पाठ्यक्रम बंद कर दिया गया। छात्रों ने ज्ञापन में मांग करते हुए कहा कि हमारे वही पुराने परामर्शदाता जो पिछले 4 वर्षों से हमारा कुशल मार्गदर्शन कर रहे हैं उनसे हमारा मार्गदर्शन कराया जाए, हमारे पाठ्यक्रम के संबंध में जो भी निर्णय हो उनसे हमें अवगत कराया जाए और साथ ही प्रशासन को हम चेतावनी भी दे रहे हैं कि हमारी कक्षाएं यथावत प्रारंभ नहीं हुई तो हमें मजबूरन सड़क पर उतरना पड़ेगा और प्रदेशव्यापी हड़ताल करनी पड़ेगी, जिसका जिम्मेदार सरकार और विश्वविद्यालय होगा। विश्वविख्यात बांधवगढ़ नेशनल पार्क इन दिनों बाघों के प्रजनन के लिए जाने जाना वाला पार्क बनता जा रहा है। विशेषज्ञों की माने तो यहां पर बाघों के रहने, खाने व प्रजनन की प्रक्रिया को लेकर सारी व्यवस्थाएं पार्क प्रबंधन ने बहुत ही बेहतरीन की हैं। मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वत के बीचों बीच उमरिया जिले में फैला बांधवगढ़ नेशनल पार्क बाघों और अपनी जैव विविधता के लिए जाना जाता है। बांधवगढ़ अभ्यारण मध्य प्रदेश के सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। इसमें 1968 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। तब 105 वर्ग किलोमीटर फैले इस उद्यान का दायरा अब 437 वर्ग किलोमीटर का हो चुका है। करीब 437 किलोमीटर तक फैले इस पार्क में लहराते हुए जंगल, खड़ी चट्टाने और खुले मैदान हैं। बांधवगढ़ नेशनल पार्क में स्तनपाई की 22 प्रजातियां सहित पक्षियों की 250 प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन इसकी चर्चा बाघों के प्रजनन के लिए सबसे ज्यादा होती है। टाइगर रिजर्व, मैं समझता हूँ कि देश का एक ऐसा टाइगर रिजर्व है, ऐसा क्षेत्र है कि निश्चित तौर पर यहां बाघों के माकूल पूरी तरह से माहौल है और बाघों को कैसे संरक्षित किया जाए, कैसे उनके मेटिंग के लिए वहां पर व्यवस्थाएं हो, किस तरह का एटमॉस्फेयर हो और किस तरह से बाघ अपने जीवन के लिए सरवाइव कर सके, ऐसा पूरा माहौल यहां पे बांधवगढ़ नेशनल पार्क में है।
यहाँ की प्रबंधन की अगर बात करें तो मैं तो ये बात कहना चाहूंगा कि बहुत ही अवेयरनेस के साथ में बांधवगढ़ का जो प्रबंधन है वो बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहा है। चाहे आम जनजीवन की बात हो, जो लोग क्षेत्र के अंदर रहते हैं, जनमानस की बात हो, वन्य प्राणियों की बात हो, वाइल्ड लाइफ की बात हो, इन सब चीजों को समावेश करते हुए एक अच्छे तरीके से इसका संचालन किया जा रहा है और बाघों को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। इस अभ्यारण्य में घूमने पर आप बाघ, एशियाई सियार, धारीदार लकड़बग्घा, बंगाली लोमड़ी, राटेल, भालू, जंगली बिल्ली, भूरा नेवला और तेंदुआ सहित कई तरह के जानवर देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ स्तनपाई जैसे गिलहरी, धोले, छोटा चूहा और छोटा भारतीय कस्तूरी भी यहां कभी कभार देखने को मिल जाएंगे। यहां बाघ के अलावा कई स्तनधारी जीव भी पाए जाते हैं। चीतल, सांभर, हिरण, जंगली कुत्ते, तेंदुए, भेड़िए, सियार, लोथ, बियर, जंगली सुअर, लंगूर और बंदर यहां बड़ी ही आसानी से देखे जा सकते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। जाते जाते जर्जर भोपाली भैरन समाचार के साथ आपको सुनाएंगे तौबा तौबा टमाटर के भाव। नमस्कार, भैरन समाचार में आपको वेलकम कर रहा हूँ। मैं हूँ जर्जर भोपाली। वो मौसम तो ऐसी पलटी मार रही है, बता रहा हूँ, कभी ठंडा आ जाती है, कभी गर्मी आ जाती है। मैं समझ नहीं पा रहा आप लोगों को पिलाऊं क्या, ठंडा पिलाऊं या गर्म पिलाऊं, बता रहा हूँ। ये एक समाचार देखो, असम में जहरीली शराब से कितने 100 से ज्यादा लोग मर गए, बता रहा हूँ। और मेरा कहना ये है कि शराब यार पीते ही क्यों हो तुम, और शराब पी के ऐसे मुंह बनाएंगे। अरे यार पी के हो रहे हैं ऐसे ऐसे मुंह बना रहे हो, अपने फ्रस्ट्रेशन निकालते हो, बीबी का फ्रस्ट्रेशन, कभी गर्लफ्रेंड का फ्रस्ट्रेशन। मैं वो ऐसे कह रही थी, वो ऐसे मैं उसे कर दूंगा। अरे यार ये कर क्यों हो रहा है, मैं क्या क्या मिल जाता है इससे तुम्हें, हैं बता रही हूँ। ये खबर ये देख लो, ये केजरीवाल जी है ना, ये एक मार्च से है ना धरने पर जा रहे हैं। और मैं कह रहा हूँ इनको है ना धरने पे क्यों जा रहे हो यार, अब इनके हॉबी है धरना पे देना, इनको है ना अपनी सीट पे मुख्यमंत्री की सीट पे बैठा नहीं जा रही है, बता रहा हूँ। और असली कारण मैं बता रहा हूँ, इनको है ना अभी मीडिया कवरेज मिल नहीं रही पूरा, है ना पुलवामा में लगे वो लोग मोदी को कवरेज कर रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि हमें भी कुछ दिखाएं। अरे हम तुमको दिखाएंगे भाई, थोड़ा ये कश्मीर के बारे में बोलो, देश के बारे में कुछ अच्छा बोलो, हाँ बता रही हूँ। और अपने इंडिया ने तय किया है कि पाकिस्तान का पानी रोकेंगे, बता रहा हूँ। और इसलिए ना आफत आने वाली है, और मैं कह रहा हूँ इनकी सेना और इनकी सरकार का पानी तो पहले ही मर चुका है, हाँ, और इनकी आफत आने वाली है। और अभी हमने इनको टमाटर भेजना बंद कर दिया है, टमाटर भेजने पर तो ये ऐसा एक इनका रिपोर्टर बिलबिला रही है, उसका वीडियो वायरल हो रही है, बता रही हूँ, हाँ ऐसा बिलबिला रही है तो टमाटर ये टमाटर भेजना बंद कर दोगे तुम तो हम ये बम फोड़ देंगे, ये एटम बम फोड़ देंगे। अरे मेरा कहना है मतलब ये है, असली बात ये है, असली बात कि ये टमाटर से चटनी खाते हैं, चटनी खाते हैं उससे रोटी खाते हैं, अब इनके पास पैसे वैसे बचे नहीं है, उससे काम चला रहे हैं, इसलिए बिल भी ला रहे हैं, हाँ। ये खबर इधर देख लो साहब, ये कांग्रेस के जो उत्तराखंड के पूरा यानी मुख्यमंत्री हैं हरीश रावत जी, इनका बेटा जो है उनके ऊपर ये बता नोट उड़ा है कांग्रेसियों ने, वो एक श्रद्धांजलि सभा में, बता रही हूँ मैं कैसे कैसे लोग हैं, कैसे मतलब कैसे कर कैसे लेते हैं ये ऐसे काम। और मैं बता रहा हूँ मोदी जी नोटबंदी का असर क्या हुआ, ये देखो नोट तो उड़ाए जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं ये नोट, हाँ। और ये खबर इधर पे देख लो, ये ट्रेन से एक अच्छी खबर है बता रही हूँ, ये ट्रेन से गिर पड़े थे और पुलिस का जवान उनको कंधे पर लेके डेढ़ किलोमीटर दौड़ा, डेढ़ किलोमीटर तो वहाँ एम्बुलेंस में बिठाया उसको जाके। वो पुलिस भैया कभी कभी अच्छे काम भी करती है, हमेशा उनको गाली वाली मत दो, हैं अच्छे काम भी कर लो भैया, हाँ। और ये खबर आखिर में देख लो, ये कल मैंने अखबार पढ़ा था, आज सुबह देखा तो बच्चों वो बच्चे आ गए जो अपहरण हुए थे, और मैंने सोचा ये तो बड़ी अच्छी खबर है, लेकिन अभी अभी मेरे को पता लगा कि ये बच्चे मार दिए उन्हें अपहरणकर्ताओं ने, बताओ कितने जाहिल लोग, कितने जालिम लोग हो गए भैया, मासूम बच्चों को मार दिए, बताओ। मेरा बहुत दिमाग खराब है जब से है ना, अब मैं जा रहा हूँ, नमस्कार। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।